चलिए देखिए, आज हम लोग एकदम नंबर सिस्टम देखते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर को किस सिस्टम से हम लिखते हैं, किस सिस्टम से पढ़ते हैं, तो यही सारा। जैसे बहुत सारे नंबर सिस्टम होता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, जो हम यूज कर रहे हैं इस समय वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर की भाषा में जो यूज होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, हम लोग यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर बात करें, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल जो डिजिट होती है, टोटल 10 अंक, ठीक है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 10 अंकों का हम यूज करते हैं और इसी को कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब हमें कोई भी संख्या लिखनी है तो हमें इन्हीं का यूज करके लिख लेना है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब बात करें, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इस नंबर में कई अलग अलग नंबर है। जैसे आप देख रहे हैं, एक है, दो है, इन दोनों की बात करें तो दो एक सम संख्या है ना, एक एक विषम संख्या है, एक तीन भी एक विषम संख्या है। तो इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, तो नंबर को क्लासिफाई किया जाएगा कि इसमें कौन सम संख्या है, कौन विषम संख्या है, कौन इसमें अभाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या है। अगर नंबर को क्लासिफाई करने की बात करें तो नंबर जो हमारे होती हैं, संख्या जो हमारा होता है, संख्या दो तरह का होता है, ठीक ना। एक होता है काल्पनिक और दूसरा होता है वास्तविक। एक संख्या होती है काल्पनिक और दूसरी संख्या होती है वास्तविक। तो संख्या वास्तव में होती है, वास्तविक संख्या। अब काल्पनिक, बस आप कल्पना कर लीजिए कि माइनस अंडररूट वन, ये कभी अंडररूट से बाहर निकलेगा नहीं, इसको काल्पनिक नंबर कहते हैं, -29 काल्पनिक नंबर। वास्तविक नंबर बात करें तो जीरो से लेकर के इधर इनफाइनाइट तक, और जीरो से लेकर के इधर इनफाइनाइट तक के नंबर को कहते हैं वास्तविक नंबर। जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट और जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट तक के नंबर को कहते हैं काल्पनिक। अब इन नंबरों की बात करें तो ये नंबर दो तरह के, ये नंबर दो तरह के होंगे, ठीक ना। या तो ये नंबर जो है पूर्णांक होंगे, या तो ये नंबर जो है पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब या तो ये पूरे होंगे, पूर्णांक मतलब पूरा, जैसे 5, 7, 6, 1, 3, ये सब पूरा पूरा नंबर है। या तो ये नंबर आधे अधूरे होंगे, दस मलों, जैसे 5.5, याद है 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। या तो नंबर पूरे होंगे, जो नंबर पूरे होंगे उनको पूर्णांक कहेंगे, जो नंबर आधे अधूरे होंगे उनको दशमलव कहेंगे। इतना बात क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं, पहले दशमलव को उठाते हैं, तो इधर दिख रहा है ना, दशमलव की बात करते हैं, दशमलव, ठीक ना। कुछ ऐसे दशमलव हैं, ठीक ना, जिन दस, जैसे आप देखें ये 5.5 है या 0.5 है या 0.2 है, ठीक ना। अब कुछ ऐसे दशमलव, इसके बाद हम ये लिख सकते हैं, जैसे 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, आप देख रहे हैं कुछ ऐसे दशमलव। एक और दशमलव हम ले लेते हैं कि 5, 4, 3, 2, 1, 6, 3, 4, ठीक ना, ऐसे करके इनफाइनाइट करता है। कुछ ऐसे दशमलव हैं जिसमें वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, 3-3 बार रिपीट हो रहा है, 4-4 बार रिपीट हो रहा है, 5-5, 4-5, 5-5, 4 रिपीट हो रहा है, ठीक ना। और ये इसमें देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ये बहुत अनंत तक, ये तो सभी अनंत तक ही जाएंगे, कटेगा ही नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हैं, जैसे इसके बाद देखिए 0-0-0 रिपीट हो रहा है, तो कुछ ऐसे हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो एक होता है रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक ना, यहां से बात समझिए। अब क्या है, ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, जो रिपीट हो रहा है, जैसे ये 0-0 रिपीट हो रहा है, इस 0-0 को हम हटा सकते हैं। अगर ये 3-3 रिपीट हो रहा है तो इस 3-3 को हटा के हम यहाँ पे बार लगा सकते हैं। अगर ये 4-4 रिपीट हो रहा है तो इस 4-4 को हम हटा के बार लगा सकते हैं। अगर ये 5-5-4 रिपीट हो रहा है, 5-5-4 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको हटा के इन तीनों पे क्या लगा सकते हैं,
मतलब जो भी नंबर रिपीट हो रहा होगा उस नंबर को हटा के हम क्या लगा सकते हैं 12। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठीक ना, बार 3.2 बार 4 बार 5.5 ठीक है। अब उसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि नाम रिपीटिंग हो रहा है। अब ये जो रिपीट हो रहा है इसके बार को, जैसे इसके डेसिमल को, इसके डेसिमल को खत्म करने के लिए 2/10 लिख सकते हैं, इसके बार को अगर हम खत्म करना होगा तो 2/9 लिख सकते हैं, अगर इसके बार को हमें खत्म करना है तो 554/999। मतलब अगर दशमलव को खत्म करना है तो उसके बटे में 0 लिख देंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। एक दशमलव है तो 10 लिखेंगे, मतलब 10। दो दशमलव होता तो 20 मतलब 100 लिख देते हैं ठीक ना। अब बार को खत्म करना है तो उसके नीचे हमें क्या लिखना है 9। तो यहाँ पे 3 बार है इसलिए 3 9 ठीक ना। अगर ये कहीं ऐसा होता ठीक ना 5 4 12 समझ रहे हैं ना, तो एक पे बार है और एक डेसिमल है ना, तो इसको हम लिखते 5 4 एक बार के लिए तो हम 9 लिखते और एक दशमलव के लिए हम 0 लिखते ठीक ना। अब देखिए दशमलव पहले है ही नहीं कि यहाँ 0 लिखते यहाँ 9 लिखते, 0 की वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पे, इसीलिए 0 की वैल्यू बनाने के लिए हम 0 कहाँ लिखेंगे बाद में। तो हम दशमलव को ऐसे खत्म कर सकते हैं, और दशमलव को हमने खत्म किया तो ये क्या हो गया, ये भिन्न हो गया ना, भिन्न फ्रैक्शन हो गया फ्रैक्शन। तो जिन दशमलव को जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब बात समझे यहाँ पे, यहाँ पे सीधे सीधे आपको ये याद करना होता है कि परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसे नंबर जिनको हम बटे के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अब इस नंबर की बात करें, ये नंबर है 5 3 2 4 3 6 7 8। अब ये हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक गया है, अगर हमें पता होता कि ये 10 अंक तक गया है तो 10 0 नीचे लिख देते, ये भी भिन्न हो जाता। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ तक गया है तो इसको हम बटा में लिख नहीं पाएंगे, और जब बटा में इसको हम लिख ही नहीं पाएंगे ये फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगा तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर ठीक ना। तो ध्यान से बात समझिए, दशमलव को ही 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आप जो डायरेक्ट पढ़ते आते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको हम p by q के रूप में लिख लें, ठीक ना, p by q के रूप में लिख लें, बट q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया मतलब इसको हम बटे में नहीं लिख पा रहे हैं ठीक ना, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हम p by q के रूप में लिख लें लेकिन हर उसका 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या। तो ये पूरी थ्योरी थी आपकी परिमेय अपरिमेय की, आपको एक लाइन सीधा से याद कर रखना है, दशमलव को 2 भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो होती है जिनको हम बटे में लिख पाते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको हम बटे में नहीं लिख पाते। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब इसको, अब पूर्णांक की बात करें, ये दशमलव हो गया, अब इस पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक को कई तरह से बांट दिया गया है ठीक ना, पूर्णांक को इसमें बांट दिया गया है। अगर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक पूर्णांक मतलब पूरा अंक, यही पूर्णांक का संधि विच्छेद होता है ठीक ना। तो इसको तो पहले एक है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ठीक ना। दूसरा है होल नंबर, पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह प्राकृतिक संख्या है ठीक ना। अब पूर्ण संख्या, पूरी संख्या क्या होती है, पूरी संख्या हमारी अभी थी क्या थी, 0 1 2 3 4 5। अगर हम 0 1 2 3 4 9 कर देते तो यही तो हमारी पूरी संख्या है, पूरी संख्या तो हमारी इन्हीं संख्याओं का हम यूज करते हैं ठीक ना। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर ये है कि उसमें जो है 0 1 में है, इसमें 0 नहीं। मतलब अगर हम इसमें नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। अब ये बात क्यों है, 0 जो है नेचुरल नंबर क्यों नहीं, 0 इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि 0 के बाद में खोज हुई है, जिसकी खोज हुई होती है वो नेचुरल नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 की खोज हुई है, आर्यभट्ट ने 0 को खोजा था, तो 0 नेचुरल नंबर। बात क्लियर है यहाँ पे। अब ये हो गया पूर्ण संख्या ठीक ना।
प्राकृतिक संख्या पूर्णांक को हमने दो भागों में बांटा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और एक होता है ठीक ना शून्य, कहते हैं एक जीरो आ जाएगा इस शून्य इस प्राकृतिक संख्या को मिलाएंगे तो पूर्ण संख्या बनेगी। अब इसमें भी और सारे डिवीजन होंगे प्राकृतिक संख्याओं में, इस प्राकृतिक संख्या को बात करें संख्या की बात करें तो ये अलग अलग पार्ट से बटेगी, जैसे पहली बटेगी सम संख्या, दूसरी बटेगी विषम संख्या, तीसरी बटेगी अभाज्य संख्या ठीक ना, और चौथी बटेगी सह अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या है, दो चार छ आठ, यही सब सम संख्या है। विषम संख्या क्या है, एक तीन पांच सात, ये विषम संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य ऐसी संख्या होती है जो किसी से कटती नहीं है, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, जो खुद से कटे और एक से कटे ठीक ना, तो खुद से कटे और एक से कटे संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे सात क्या है अभाज्य संख्या, तेरह क्या है अभाज्य संख्या, ग्यारह क्या है अभाज्य संख्या, दो क्या है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दो, क्योंकि दो जो है एक से कटेगी और खुद से दो से कटेगी, दो को कौन कौन नंबर काट पाएगा, एक काटेगा और दो काटेगा ठीक ना। एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि एक बस एक ही से कटेगा है ना, अभाज्य संख्या होने के लिए दो फैक्टर होने चाहिए उसके, जैसे अभी मैं तीन लेता एक से कटेगी और तीन से कटेगी, मतलब तीन अभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं ना। नौ अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और नौ से भी कटेगा है ना, तो जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होता ही नहीं है ठीक ना, तो नौ अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है। अब बात करते हैं सहअभाज्य की, जो साथ में अभाज्य हो जाए, जो साथ में किसी से ना कटे, जैसे देखिए चार और पंद्रह क्या एक साथ में किसी नंबर से कटेंगे, नहीं कटेंगे, ये चार जो है दो से कटेगा ये तीन से कटेगा, लेकिन कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके, कोई है नहीं। अब देखिए सत्रह और पच्चीस ये दोनों क्या है अभाज्य, सहअभाज्य है क्योंकि साथ में किसी से कट ही नहीं सकते ठीक ना। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, दो एकमात्र सम संख्या है जो क्या है अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है दो, अभाज्य संख्या का शुरुआत दो ही से होता है, दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह ऐसे ठीक ना। अब अभाज्य संख्या की बात करें तो एक से पचास तक में ठीक ना पंद्रह अभाज्य संख्या होती है ठीक ना, फिर पचास से सौ तक में दस अभाज्य संख्या, इसका मतलब एक से सौ के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा पूछा जाएगा बताइए एक से सौ के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, कुल कितनी अभाज्य संख्या आती है। अब बात करते हैं इधर ठीक ना, जीरो, जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो एक सम संख्या है, जीरो क्या है सम संख्या है, इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि जीरो एक सम संख्या है, बात क्लियर है ठीक ना। अब देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ये क्लासिफिकेशन कुछ नहीं, ये बहुत बेसिक है, ये जानना है आपको ठीक ना, इसको रोक के एक बार फिर से चालू करते हैं। देखिए हम लोग नंबर सिस्टम के टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप वन, नंबर सिस्टम का टाइप वन। टाइप वन में कौन से क्वेश्चन आते हैं, टाइप वन में सभी जो है जोड़ से क्वेश्चन आते हैं, सभी नंबरों को क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा ठीक है। नंबर को जोड़ा कैसे जाएगा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन आया अगर आपके एग्जाम में कि लगातार संख्याओं का योग, जैसे एक दो तीन चार पांच दस ठीक ना, बताइए इनका योग क्या होगा ठीक ना, तो दस तक का योग होता है पचपन, आप जानते हैं बिल्कुल निकालेंगे कैसे, लगातार ये संख्या है सारी ठीक ना, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है आखिरी संख्या, आखिरी संख्या कितनी है दस गुड़े एक ज्यादा ग्यारह बटे में दो, आ गया कितना पांच, पांच समझ रहे हैं, लगातार संख्याओं का योग होता है आखिरी संख्या और एक ज्यादा बटे में दो, इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, अगर आखिरी संख्या को हम यन मान ले तो इसको लिख सकते हैं यन ब्रैकेट में यन प्लस वन, अगर ये दस है तो दस और एक ग्यारह बटे में क्या लिख सकते हैं दो, यही होता है इनका क्या योग, बात समझ में आ रहा है। अगर यही बात पूछा जाए एक दो तीन बताइए पचास का योग क्या होगा, सौ का योग क्या होगा ठीक ना, पूछ दे कि एक से लेकर के सौ तक की संख्याओं का योग क्या होगा, सीधा सीधा हमें लेना है सौ और सौ से एक ज्यादा कितना एक सौ एक बटे में दो,
इसको काटेंगे कितना जाएगा, ठीक ना, या इसी को काट देते हैं, इसको आ जाएगा 50.5 आएगा ना, और 100 से गुणा कर देंगे तो 2.0 मतलब कितना हो जाएगा 50 कर लेंगे, योग निकाल लेंगे। इसी बात को, ये तो पहला एकदम लगातार संख्या है, अगर संख्याओं का स्क्वायर कर दे, पूछे कि संख्याओं का स्क्वायर है और योग बताइए, 1 से 10 तक के स्क्वायर का सम क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम आखिरी संख्या को n मान ले, आखिरी संख्या कितनी है हमारी 10, अगर आखिरी संख्या को हम n मान ले तो यहाँ पे फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। ध्यान से देखिए क्या है, n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6, n का मान कितना है 10, तो 10 और एक 11 गुड़े 10 दूनी के 20 और एक 21 बटे में 6, ठीक ना, 2 5 10 2 3 6 3 7 21, ठीक ना, 7 5 35 गुड़े 11 कितना जाएगा, 11 5 55 और 11 3 35 और 5 कितना हो जाएगा 38। 1 से 10 तक के स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा 350, कितना बात क्लियर है, कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा, इसी नंबर का अगर क्यूब दे दे, अगर इसी नंबर है, इसी नंबर का अगर क्यूब दे दे, मान लीजिए कि ये दे दे कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ठीक ना, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, वैसे 10 का क्यूब का सम क्या होगा, अगर इन दोनों को इन सबको जोड़े तो क्या आएगा, ठीक ना। अगर यही क्यूब दे दे तो हमने अभी लगातार संख्याओं का योग क्या होता है n+1/8 यही होता है ना, अगर क्यूब दे देगा तो बस इसी का हम स्क्वायर कर देंगे क्यूब, इसी का दस और एक ग्यारह बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये 55 होगा, 55 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना जानते हैं, ठीक ना, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं। अगर 55 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लास्ट में किसी भी नंबर का 25 आया, ये 5 है ना, तो 6 से गुणा कर दीजिए, 6 5 30 25, ठीक ना। अगर 45 का निकालना है, देखिए 4 है ना, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 4 5 20 25, ठीक है। अगर यही 75 का निकालना है, 7 है तो 8 से गुणा कर दीजिए, 8 7 56 25 निकाल लेंगे। किसी भी नंबर के जिसके अंत में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। जैसे देखिए, अगर आपको निकालना है 105 का स्क्वायर कितना होगा, ये 10 है ना, तो 10 का गुणा 11 11 दहाई में 110 25, समझ रहे बात। अगर 85 का स्क्वायर निकालना है, 8 है तो 9 से गुणा कर देंगे, 9 8 72 25, क्लियर बात, समझ गए। तो यहाँ पे 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 30, ठीक ना, तो ये आप समझ गए होंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, चौथा क्वेश्चन, ठीक ना, आपसे पूछेगा कि सम संख्याओं पे जैसे 2 4 6 8 10 इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, ये लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक ना, जोड़ लेते हैं, 8 2 10 6 4 10 और ये 10, कुल कुल योग कितना आ रहा है 30, ये 30 लाना है। तो लगातार सम संख्याओं का योग होता है, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, बस लगातार सम संख्याओं का योग होता है, ठीक ना, जितनी भी संख्या है, 5 है ना, एक ज्यादा से गुणा कर देंगे, यहां n का मान अलग है, यहां पे n बराबर है, n बराबर कितनी संख्या, वहां पे n बराबर था लास्ट नंबर, कितनी संख्या, अब ये कैसे पता चलेगा, देखिए ये तो छोटा है, पता चल जा रहा है कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 है तो किससे गुणा कर देंगे 6 से, कितना हो जाएगा, ठीक ना। आप जानते हैं, एक बात समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यही है, ये 10 तक संख्या है, 10 संख्या में 1 2 3 4 5 क्या है सम, और 5 तो क्या होगी तब, मतलब जितनी भी संख्या होती है संख्या में कितना आधा होता है सम और आधा क्या होता है, क्लियर बात। अगर मैं बोलूं कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 1 से 20 तक में कितनी सम संख्या आएगी 10, तो 10 गुणे कितना योग होगा, ये बात क्लियर है।
अगर मैं पूछूं कि 1 से 100 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक के सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से 100 तक में कितनी सम संख्या आएगी, 50 गुणे, मतलब जितनी भी सम संख्या होगी एक ज्यादा से गुणा कर देंगे तो उसका योग निकल जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे, ठीक ना, समझ गए। यही बात अगर विषम संख्या की होती, 1, 3, 5, 7, 9, ये तो विषम संख्या हो गया, ठीक है, कितनी विषम संख्या है, 5, तो विषम संख्या में बस n का स्क्वायर, कितनी संख्या है, 5 तो है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनका योग 25 होगा। देखिए 9, 1, 10 और 7, 3, 10, 10, 10, 20 और 5, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बताइए प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से 30 तक में कितनी विषम संख्या होगी, 15, सीधे बस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 200। क्लियर बात कर लेंगे। तो सम संख्या विषम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग होता है जितनी संख्या एक ज्यादा से गुणा कर देंगे योग निकल जाएगा, विषम संख्या में जितनी संख्या होगी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। अब अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाए 8 + 8 + 8 + 8 इनका योग, ठीक है, जैसे आपके क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया मैं उसको भी लूंगा, ये डायरेक्ट है, क्या करेंगे सीधा सीधा सब लोग यही करेंगे, ऐसे यही जोड़ना है ना हमें, ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं ना, ये कर रहे हैं, इतना लिखना क्यों है, आप जानते हैं कि आप सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, 4 को, फिर किसको जोड़ेंगे, 3 को, फिर 2 को, फिर, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, जहां सबसे पहले 4 से स्टार्ट करिए, 8 × 4 = 32, हाथ में लगा 3, 8 × 3 = 24 और 3 = 27, हाथ में लगा 2, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 18, हाथ में लगा 1, 8 × 1 = 8, समझ के बाद कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां से नंबर ज्यादा है, क्लियर बात, ठीक ना। तो अब मुझे ये बताइए, ठीक ना, कि अगर मैं ऐसा लिखूं तो इसका सम कितना होगा, ऐड करिए जल्दी से, इसका सम कितना होगा, समझ में आ रही बात, क्या करना है, करिए सम जल्दी से, डायरेक्ट यहाँ पे 7 × 5 = 35, हाथ में लगा 3, 7 × 4 = 28, 3 कितना हो जाएगा 31, के हाथ में लगा 3, 7 × 3 = 21, 3 कितना हो जाएगा 24, हाथ में लगा 2, ठीक ना, 7 × 2 = 14, 14 × 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक ना, सही है, और 7 × 1 = 7 और 1 = 8, कितना आया है, कितना आया, गलत है आपका, देखिए ध्यान से, कितना ही आया, क्लियर बात है। अब सपोज करिए कि ये बीच वाला ना दिया होता, ठीक ना, ये क्वेश्चन नहीं लग पाता, बीच वाला नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन नहीं लग पाता, फिर हमें बेसिक से क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए कि हमने 100 रुपए में 20 रुपया जोड़ दिया, कितना हो गया 120, अगर बाद में फिर 20 रुपए घटा दूं, हमारा नंबर तो वही है ना, है ना, अगर नहीं दिया है तो हम 77 जोड़ देते हैं, है कि नहीं बात, फिर हम बाद में 77 क्या कर लेंगे, वो नंबर लिख करके हम अपनी सीरीज बना लेंगे, और फिर बाद में जो भी आंसर आया होगा और जो भी नंबर एक्स्ट्रा लिखे हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बात क्लियर है, हो जाएगा ना। चलिए अब एक और बात देखिए, यही बात अगर डेसिमल में आ जाए, यही बात अगर डेसिमल में आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक ना, बस कुछ नहीं करना है, कहां से अगर नंबर था तो कहां से शुरू कर रहे थे आप, बस डेसिमल है तो यहां से शुरू करना है, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 24 × 1 = 25, हाथ में लगा 2, 8 × 4 = 32 और 32 × 2 कितना होता है 34, कितने डेसिमल है मैक्सिमम, क्लियर बात, नंबर रहेगा पीछे से स्टार्ट कर देंगे और डेसिमल कम होता है, डेसिमल नंबर कम होता है ना, तो कम से स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट, ठीक है, और कोई अंतर नहीं है,
नंबर है तो यहाँ से स्टार्ट किया हमने, और डेसिमल है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। क्लियर है बात? एक मैं नंबर देता हूँ, करिए 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 +
बताइए क्या होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कहां से शुरू करना है, छोटा से, ठीक ना। पांच एकम पांच दुनी दस, हाथ में लगा एक, पांच कहीं पंद्रह, पंद्रह है सोलह, हाथ में लगा एक, पांच चौके बीस, बीस और एक इक्कीस, एक हाथ में लगा दो, पांच पचे पच्चीस, पच्चीस दो सत्ताईस। मैक्सिमम कितना डेसिमल है, पांच अंक, तो पांच अंक पे हम डेसिमल लगाएंगे, 2.7 ऐसा आएगा। बात समझ गए, अब देखिए अब और बेहतरीन पढ़ने वाले हैं बेटा हम इसको। अभी तो ये आप लगातार नंबर का आपने पढ़ा, अगर सोच लीजिए कि कोई पहाड़ा दे दिया हो और उसको जोड़ने के लिए बोल दे, देखिए तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिली के नौ, तीन चौक के बारह, तीन पांच पंद्रह, ठीक है, इन्हीं को जोड़िए पहले। ये लगातार है, लगातार नंबर का जोड़ना हम जानते हैं, कैसे जुड़ेंगे, समस्या है कि नहीं, है ना। तो समस्या कुछ नहीं है, अगर हम तीन निकाल ले यहां से तो तीन एकम तीन दूनी तीन तिली के तीन चौके और तीन पचे, इनको तो जोड़ना हम जानते ही हैं, इनको जोड़ना जानते हैं ना, इनको जोड़ना क्या है, आखिरी नंबर क्या है, पांच, तो छह से गुणा कर देंगे बटे में, क्लियर है बात, तो कितना जाएगा, तीन तीन पचे पंद्रह, पंद्रह और बाहर क्या है, मतलब योग कितना आ जाएगा, यही बात है ना। तो जिसका भी ये होगा, ये गुण, ये जिसका भी गुणनफल होगा उसको कॉमन कर देंगे। मान लीजिए चार का रहता, चार दुनी आठ यानी बारह सोलह और बीस, तो क्या कॉमन कर लेते, चार कॉमन कर लेते, यही बनता पंद्रह चौके कितना जाएगा, क्लियर बात ना। तो ये बात है कि इसमें अंतर कितने का है, कितने का है, हर जगह कितने का अंतर है, तीन का है ना। तो क्या करेंगे, तीन ले लेंगे, ठीक ना, अंतर को कॉमन कर देंगे, अंतर को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, फिर हमारा वही फार्मूला है, कॉमन करने के बाद जो नंबर बचेगा n प्लस वन बाई, दूसरा तरीका एक और, ये तरीका अगर ना समझ में आया तो एक और तरीका है। देखिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, हम औसत निकाल लेंगे, औसत बराबर होता है आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या बटे में दो, औसत कितना आ जाएगा, 18 बटे में दो, औसत कितना आ जाएगा, और कितने संख्याओं का है, पांच संख्याओं का, तो 9 गुणे 5 कितना आ जाएगा, सीधे सीधे ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे बात, क्या क्या कर सकते हैं। अब औसत बीचों बीच ही होता है, औसत कहाँ होता है, बीचों बीच, ठीक ना, तो बीचों बीच अगर संख्या में पता है, जैसे ये बीचों बीच औसत है, ठीक ना, ये पांच संख्याओं का है तो 12 5 7, क्लियर बात हो जाएगा। तो अब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अब क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, लगातार सात संख्याओं का योग, लगातार सात संख्याओं का योग कितना, 56 है, तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, हम इसका यूज करके बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं, बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। देखिए योग कितना है, 56 है ना, और सात से भाग करेंगे तो बीचों बीच वाली संख्या निकल जाएगी, बीचों बीच वाली संख्या कितनी है, आठ, बीचों बीच संख्या, संख्या कुल कितनी है, सात, एक दो तीन, एक दो, हो गया ना सात संख्या, ये संख्या लगातार है, अगर ये आठ है तो ये नौ होगा, ये दस होगा, ये ग्यारह होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, सबसे छोटी संख्या पूछ देता तो सात छह और ये कितना है,
अब खुद ही पूछा निकल जाता है, पूछेगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल कितना होगा, 11 × 5 = 55। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना होगा, 11 में से 5 का कितना जाएगा। अगर संख्याएं हमारी निकल जाती हैं तो कुछ भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ऐसे ही निकालना है। तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, देखिए ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने बीच वाली संख्या निकाली, बीच वाली संख्या वही कहते हैं औसत, बीच वाली संख्या या औसत, इसका औसत पूछे तो औसत कितना है, औसत बराबर होता है योग बटे के संख्या, योग बटे के संख्या। बीच वाली संख्या हम पता कर सकते कैसे, योग बटे के संख्या, योग कितना था 56 और संख्या कितनी थी 7, तो बीच वाली संख्या कितनी निकल गई। क्लियर है ना? देखिए लगातार 5 संख्याओं का योग 125 है, 125 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। सर जी 27 सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी सर 23 होगी, ठीक ना? अंतर कितना आ रहा है दोनों में, 4 आ रहा है। आराम से बीच वाली संख्या निकालने के लिए 125 बटे में 5 कितना आ गया, 25। अगर बीच वाली 25 है तो कुल 5 संख्या है ना, तो 2 इधर होगी, 2 ये हो जाएगी 26 और ये हो जाएगी 27, ये हो जाएगी 24 और ये हो जाएगी 23। मैंने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 27 − 23 कितना आएगा। क्लियर है बात, हो जाएगा एकदम। ये जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे टाइप 1 के, ये पूरा टाइप 1 में था। बात समझ रहे हैं ना? एक और आता है, एक और मैं बता दूं आपको। एक बार क्वेश्चन आया टेट के एग्जाम में 1+, इनको जोड़िए तो कितना होगा, जोड़े कितना होगा। तरीका हमारा वही है, तरीका वही है जोड़ने का, तो जोड़िए आधा सेकंड में। 1 × 4 = 1 + 4 = 3 यही होगा ना। टेट में क्वेश्चन आया, ठीक ना? अच्छा पहले मुझे ये जोड़ के बताइए कि 5 सही 6/7, ठीक ना? समझ रहे बात, 7, ठीक ना? और 8 सही 1/7 का योग बताइए, इसका योग बताइए। कर सकते हैं? हाँ, कितना होगा? चौदह आंसर है, देखिए यहाँ ध्यान से क्या करना है, ठीक ना? आप ऐसे ही करते, पहले आप जो कर रहे हैं वो कर रहा हूँ मैं। 7 × 5 = 35 और 35 और 6 कितना होता है 41, 41 × 7 प्लस, ठीक ना? 41 × 7 8 × 7 = 56 और 1 = 57/7 इतना लफड़ा करना है। अब हर बराबर है तो ऊपर पर जुड़ सकता है, 7 और 1 = 8 = 40 = 50 = 90 = 98 14 × 7 = 98 होता है ना? इतना नहीं करना, कितना फालतू है 5 और इधर कितना फालतू है 8 5 हर बराबर है तो आराम से जुड़ जाएगा, 6 और 1 = 13 + 7/7 कितना आ गया। बस बनना है कुछ, क्या किया हमने, पहले फालतू नंबर को निकाल दिया हमने, 5 और 8 = 13 अब यही बचे हैं ना जोड़ने के लिए, हर बराबर है तो आराम से जोड़ लेते हैं, 6 और 1 = 7 7/7 = 1 मतलब 1, 13 यही था और 1 ये मतलब कितना हो गया, बराबर कर लेंगे। ये क्वेश्चन आया था सुपर टेट का 2018 का, ठीक ना? बताइए आंसर। आंसर बताइए, क्या करना है? अभी इसको जोड़े थे ना, जोड़ने पे कितना आया था 4 3 2 1 यही आया था ना, फालतू तो जुड़ गया, ये आधा ही है ना, आधा आधा कितना हो गया 1.5 और ये कितना हो गया 2, बस यही ना फालतू है, कितना हो गया 1236। बस क्या करना है, समझ में आ रहा है मैंने क्या, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फालतू नंबर को हमने जोड़ लिया, ठीक ना? और बाकी तो जोड़ ही सकते हैं। एक और 55
45, 40, 20, बिना लिखे इसको जोड़ के बताइए मुझे, बिना लिखे, है ना, जोड़ी जब इतना टफ थोड़ी है, 55, 45 कितना हो गया, 100, 170 हुआ, आधा आधा एक, आधा आधा एक, दो ही हुआ ना, 170 दो, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, तो जब भी जोड़ने का क्वेश्चन होगा इतना ही आएगा जोड़ने, बात समझ गए, नंबर सिस्टम का टाइप नंबर वन यही था, ठीक ना, बंद कर, टाइप नंबर टू बाद में पढ़ेंगे।